Now, this is an activity number 3. Observe a sleeping dog. Notice the movement of its abdomen. एक सोते हुए डॉग को देखिए और उसके आपको रिब्स के पास में जो उसका एब्डोमेन है वहां पे उस आपको इनहेल और एक्सहेल करते हुए दिखाई देगा. पुट योर हैंड बिलो योर नॉस्ट्रिल्स. अपने नाक के नीचे अगर आप फिंगर रखेंगे तो आपको यू विल फील अ ब्लो ऑफ एयर. आपको वहां से हवा आती जाती फील होगी. वी ब्रीद इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. लिविंग थिंग्स मूव. सभी लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती है. मूवमेंट इज अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. हम ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह जो एनिमल्स है वो फूड की तलाश में घूमते हैं. और मूवमेंट कैन बी सीन क्लियरली इन एनिमल्स. मगर प्लांट्स में जो है मूवमेंट जो है विजिबल इसलिए नहीं होती क्योंकि प्लांट्स एक जगह फिक्स होते हैं. उनकी रूट्स जो है वो सॉइल में फिक्स होती हैं. हाउएवर दे आल्सो मूव इन रिस्पांस टू लाइट और ग्रेविटी. मगर लाइट की तरफ प्लांट्स जो है मूव करते हैं. जैसे कि सनफ्लावर जो है वो लाइट की तरफ मूव करता है. मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो लाइट की तरफ मूव करता है और उसकी पेटल्स बंद हो जाती है जब सनसेट होता है और सनराइज होता है तो पेटल्स जो है खुल जाती हैं. और सभी प्लांट्स जो है उनकी स्टेम जो है लाइट की तरफ बेंड करती है. तो नेक्स्ट है आपका जो करेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. All living things respond to different stimuli such as touch, light, heat and sound. सभी animals और organisms जो हैं वो stimulus यानी कि किसी भी तरह के touch, light, heat या sound के लिए respond करते हैं. Animals जैसे कि earthworm वो light से दूर भागते हैं. और slime medium मतलब salty medium. सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी. जहां जहां मैं मीनिंग लिख रही हूँ वहां पे आप भी लिख लीजिए क्योंकि फिर आप टर्म्स कई न्यू वर्ड्स आएंगे. सलाइन मीन सॉल्टी. तो अर्थफॉर्म जो है वो लाइट और सलाइन मीडियम से सॉल्टी मीडियम से दूर रहते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाय. कैसे? उन प्लांट्स की जो टिप होती है वो हमेशा लाइट की तरफ मूव करती है. द ड्रॉपिंग ऑफ लीव ऑफ टच मी नॉट प्लांट. अगर हम टच मी नॉट प्लांट को टच करें, ये प्लांट का नाम है, छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं इसको हिंदी में. अगर हम उसको टच करें तो उसकी लीव्स जो है वो बंद हो जाती हैं. टेक अ टॉर्च, स्विच इट ऑन एंड डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन योर फेस. अपने फेस की तरफ इसको देखिए. आप इमीडिएटली क्या करेंगे? आप अपनी आईज बंद कर लेंगे. वी क्लोज द आईज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्ट लाइट की तरफ हमें देखने में स्ट्रॉन्ग लाइट की तरफ देखने में प्रॉब्लम होती है. इसलिए हम सन की तरफ भी डायरेक्ट नहीं देख पाते. ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन अ डार्क रूम. किसी अंधेरे कमरे में 10 से 15 मिनट जब आप रहते हो तो और अगर आप लाइट की उसके बाद लाइट में आते हो तो क्या आपको कैसा लगता है? ये अपनी ऑब्जर्वेशन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सभी लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे और बच्चों को पैदा करना. अपने जैसे और सी प्लांट्स जो है अपने जैसे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं या अपने जैसे नए प्लांट को बेबी प्लांट को बर्थ देते हैं उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से. एनिमल्स जो है उनके एग्स होते हैं या बेबीज होते हैं. द यंग वंस ग्रो इनटू एडल्ट्स. और वो बेबीज बड़े में जो है बड़े हो जाते हैं एडल्ट्स की तरह. Thus, the existence of their species continue. इस तरह से उनकी जो species है वो चलती रहती है. Some animals such as hen reproduce by laying eggs. Hen के जैसे कि egg आप देख रहे होता है, egg में से chick निकलता है, chick grow करता है, it grows it back into hen.
अ फ्यू एनिमल्स सच एज काउ एंड ह्यूमन बींग्स हमारे जो है बेबीज होते हैं वी गिव बर्थ टू यंग वंस सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स कुछ प्लांट्स के तो हम हमारे सीड्स होते हैं उनको हम जब सॉइल में डालते हैं तो उसमें वो जर्मिनेट करते हैं और नया प्लांट बनता है इस तरह से लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं उन्हें उनके सीड्स से नहीं ग्रो हो पाते तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं जिसमें हम उनकी स्टेम लीव्स या रूट्स से नया पौधा प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि रोज प्लांट उसकी स्टेम कटिंग हम लगाते हैं मनी प्लांट उसको भी हम स्टेम कटिंग से ही न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट एक्सक्रीट मतलब हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बाहर फेंकना ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस चाहे वो प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है सभी लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया इज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एनिमल्स एनिमल्स की बॉडी में यूरिया बनता है जो कि हम यूरिन के फॉर्म में अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हम ब्रीदिंग के प्रोसेस से जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हम उसको एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमेटा सभी प्लांट्स जो है वाटर और मिनरल्स के हेल्प से किस की फॉर्म में स्टोमेटा से अपना एक्स्ट्रा वेस्ट जो है उसे रिमूव करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन सभी लिविंग थिंग्स की एक फिक्स लाइफ है उसी लाइफ स्पैन में तक वो जीवित रहते हैं Differently, organisms have different lifespan. It may vary from a few minutes. कुछ जानवरों की या प्लांट्स की लाइफ जो है वो कुछ मिनट्स तक रहती है और कुछ की कुछ सालों तक रहती है तो लाइफ स्पैन ऑफ बैक्टीरिया इज जस्ट अ फ्यू आवर्स जो बैक्टीरिया है वो कुछ घंटों तक ही जिंदा रहते हैं मगर अगर हम बात करें टॉर्टाइज की तो इसकी लाइफ जो है 120 ईयर्स से भी ज्यादा है In this way, different animals live for different time period and then ultimately they die. Or similarly, plants also die after some time. Now, do you know the seeds can stay in the container of your kitchen? आपकी जो दालें हैं जितनी भी जो whole pulses हैं जैसे कि आपकी राजमा वाइट ग्राम सफेद लोबिया या आपकी मूंग दाल ये सभी जो है ये सीड्स है व्हेन वी प्रोवाइड देम अ सुटेबल कंडीशन यानी कि प्रॉपर एयर वाटर और टेम्परेचर जब इनको मिलेगा देन दे विल ग्रो इनटू अ न्यू बेबी प्लांट सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग things living things ke cells hote hain non living things they do lack cellular structure living things they grow non living things do not grow living things need food non living things do not need food living things they breathe non living things do not breathe they are able to move their body parts living things but non living things cannot move their बॉडी पार्ट विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स और आपका ये मत कहना कि कार मूव करते हैं तो कार जो है उसको मूव करने के लिए पेट्रोल डीजल लगता है शो रिस्पॉन्सेस टू वेरियस स्टिमुलाई मगर नॉन लिविंग थिंग्स जो है किसी हीट लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करते टच को रिस्पॉन्ड नहीं करते लिविंग थिंग्स दे गिव बर्थ टू बेबीज बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस Living things excrete, non-living things do not excrete. Living things have a definite lifespan. उनका कोई lifespan नहीं होता. अगर आप उन्हें care करेंगे, तो ज़्यादा दिनों तक चल जाएंगे. We thus observe that there are many characteristics which make living things different from non-living things. तो living things और non-living things जो हैं, उनमें बहुत सारे characteristics जो होते हैं. वो उनकी वजह से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे कि
कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आप देखते हो जैसे टॉय ट्रेन है या बादल है, वो मूव करते हैं मगर वो ग्रो तो नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग को अलग किया हुआ। Thank you.